यूपी के माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार एक्शन में है, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। प्रशासन माफियाओं के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराने, अवैध संपत्ति को कुर्क करने के साथ ही शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित करने की कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला प्रशासन ने आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी एवं साले की नगर के सैयदबाड़ा में स्थित आवासीय भवन का मुनादी के बीच कुर्की करने की कार्रवाई की गई। सुनो सुनो सुनो, श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के साले सर्जित लदा के सैयदबाड़ा स्थित भवन निर्माण को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो, जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में आईएस 191 के लीडर मुख्तार अंसारी के साले सर्जित लदा के सैयदबाड़ा स्थित भवन निर्माण को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो, जबकि लखनऊ में गोमती नगर में स्थित आवासीय फ्लैट को कुर्क करने के लिए जिला पुलिस की टीम लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला ने बताया कि प्रदेश में माफियाओं के विरुद्ध चल रहे अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी एमपी सिंह ने पुलिस की आख्या पर विचारोपरांत 2 अगस्त को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व साले सरजील रजा की लगभग 2,18,00,000 लागत की निम्नलिखित संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। इसी आदेश के क्रम में मंगलवार के नगर के सैयदबाड़ा में स्थित आवासीय भवन अनुमानित लागत 1,18,00,000 की मुनादी कराकर कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। उनके साले सरजील लजा पर आज एक बड़ी कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुसार आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व उसके साले सरजील लजा और अनवर सजाद का ये जो भवन निर्माण है, जो कि सैयदबाड़ा मोहल्ले में प्लॉट संख्या 84 और प्लॉट संख्या 85 पर स्थित है, इस भवन निर्माण को आज धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। ये प्रॉपर्टी की कुल कीमत कितनी होगी? जो ये भवन निर्माण है, इसका PWD की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत 1,18,00,000 रुपये और इसको आज पुलिस प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया। इसके साथ ही लखनऊ में गोमती नगर में स्थित आवासीय फ्लैट जिसकी अनुमानित लागत 1,00,00,000 है, उसकी भी कुर्की की कार्रवाई के लिए जिला पुलिस की टीम लखनऊ रवाना हो गई है। दिनांक 2 अगस्त 2021 को जिलाधिकारी महोदय ने आफसा अंसारी की लखनऊ स्थित गोमती नगर में जो फ्लैट है उसको भी गैंगस्टर की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क करने के आदेश दे दिए। वो कार्रवाई के लिए भी लखनऊ टीम रवाना की जा रही है। पर उसकी कीमत क्या बताई जा रही है? जो लखनऊ में फ्लैट स्थित है उसकी अनुमानित लागत लगभग 1,00,00,000 रुपये। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार मुकेश सिंह, SP सिटी गोपीनाथ सोनी, कोतवाल विमल मिश्रा, लेखपाल सहित राजस्व विभाग के कर्मियों की बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद थे।